हेलो एवरीवन, मैं नैना स्वागत करती हूं आपका न्यूज 31 उत्तराखंड में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रियंका नाम की महिला ट्रैफिक पुलिस अपने बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी करती नजर आ रही हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि माँ से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता। एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है और इस बात का उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ममता उन पर भारी पड़ गई है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने प्रियंका पर विभागीय जांच करने की जिम्मेदारी एसएसपी ट्रैफिक ने डीएसपी के स्पेशल डिवीजन के इंस्पेक्टर गुरजीत कौर को सौंपी है। आपको बता दें कि ये वीडियो चंडीगढ़ का है और लोग इस वीडियो पर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई इस वीडियो को देख के उन्हें सलाम कर रहा है तो कोई डिपार्टमेंट की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर रहा है। और इस मामले में डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का कहना है कि प्रियंका ड्यूटी पर लेट आती है और गैर हाजिर भी रहती हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। और इस बारे में प्रियंका ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनका बच्चा अभी छोटा है और अक्सर उनके पति या परिवार वाले उनके बच्चे को लेकर ड्यूटी वाली जगह आ जाते हैं, क्योंकि उनका बच्चा उनके बिना नहीं रह पाता है। अगर बच्चा रोता है तो वो कुछ समय के लिए उसे गोद में उठा लेती है, लेकिन वो ड्यूटी में कोई लापरवाही नहीं करती है। आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका पर कार्रवाई सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आपसे विदा लेती हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।